है मसूदा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीईटी परीक्षा देने जा रही छात्राओं की गाड़ी पलटी। हादसे में 5 छात्राओं को आई गंभीर चोटें, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मसूदा थाना क्षेत्र के रामगढ़ के पास यह हादसा हुआ है। सीईटी की परीक्षा देने जा रही छात्राओं की गाड़ी पलट गई। हादसे में 5 छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मसूदा थाना क्षेत्र के रामगढ़ के पास यह हादसा हुआ। मसूदा से बड़ी खबर इस वक्त, जहां सीटी की परीक्षा देने जा रही छात्राओं की गाड़ी पलटी, 5 छात्राओं को गंभीर चोट आई है। मसूदा थाना क्षेत्र के रामगढ़ के पास यह हादसा हुआ है। सभी घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जानकारी के लिए संवाददाता कान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कान सिंह, छात्राओं की गाड़ी पलट गई है, कितनी छात्राएं इसमें घायल हुई हैं और कहां की थीं ये छात्राएं? कान सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी कान सिंह, सीटी की परीक्षा देने आई छात्राओं की एक गाड़ी पलट गई है, कितनी छात्राएं इसमें घायल हुई हैं और फिलवक्त में क्या स्थिति है? 5 छात्राएं घायल हो गई है इसमें, और सड़क पे गड्ढे होने के कारण गाड़ी अनबैलेंस हो गई थी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कान सिंह तमाम जानकारी के लिए। राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार ने मासूम बच्चे को टक्कर मार दी। राजसमंद के आमेट से यह खबर है, तेज रफ्तार कार ने मासूम बच्चे को मारी टक्कर। हादसे में 10 वर्षीय किशन की मौके पर मौत हो गई। केलवा मुख्य मार्ग के बांडा बस स्टैंड की यह घटना है। राजसमंद के आमेट से यह खबर है, जहां केलवा मुख्य मार्ग के बांडा बस स्टैंड के पास एक बच्चे को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दस वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। संवाददाता सुनील जैन राजसमंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, एक 10 वर्षीय बच्चे को कार द्वारा टक्कर मारने की खबर आ रही है, पूरा मामला क्या है? बता दो, ये जो आमेट थाना क्षेत्र के बांडा गए और आमेट केलवा मुख्य मार्ग के जहाँ पर एक 10 वर्षीय बच्चा आज स्कूल जा रहा था किशन, लेकिन तेज रफ्तार से केलवा की तरफ से का वेगनार आ रही थी और उसको बच्चे को चपेट में ले लिया और बच्चा करीब काफी उछल कर दूर गिरा। उसके सिर में काफी गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, लेकिन तब तक कार का पीछा किया, लेकिन कार काफी तेज गति से होने के चलते वो फरार हो गई, चालक फरार हो गया था। सूचना तुरंत पुलिस को दी थी। आमेट मौके से जाप्ता भी पहुंचा और पुलिस अब उस कार की तलाश कर रही है जिस उस मासूम को इस कार में चपेट में लिया है। काफी संख्या में ग्रामीण भी है और तुरंत कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए।